स्वागत करता हूं मैं आपको होस्ट आशीष कपूर। आज सुबह का सबको वेट था, कई दिनों से वेट था, और जिस ब्रेकिंग न्यूज़ का हम वेट कर रहे थे आर्टिकल 35 है बोल के, वो 35 है की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी सुप्रीम कोर्ट से, अपेक्स कोर्ट से, वो आ चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा ही एक हम कहेंगे बैलेंस डिसीजन लिया हुआ है, जिससे कश्मीर सेंट्रिक जो लोग हैं, जो हम कहेंगे कश्मीरी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे काफ़ी देर से, उनका भी कहीं ना कहीं जो पर्सपेक्टिव है उसको माइंड में लेते हुए जनवरी सेकेंड वीक तक जो है इसको स्थगित कर दिया गया है आर्टिकल 35 ए के केस को लेके। और इसकी जो हियरिंग अगर होती है नेक्स्ट, तो वो जनवरी के सेकेंड वीक में होगी कहीं जाके। रीजन क्या था इसके पीछे? रीजन था सीधा सीधा रीजन जो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक्सपोज करता है, जो हमेशा आर्टिकल 35 ए हटाने की बात करती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और खासकर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये प्ली दी गई थी वहां पे, ये रिक्वेस्ट दी गई थी वहां पे, और ये रीजन दिया गया था इसको भी डेफर करने का कि स्टेट में जो है पंचायती इलेक्शंस है, अर्बन बॉडी इलेक्शंस है, जो कहीं ना कहीं दिसंबर तक लगेगा इनको वो हेल्ड करने में, और उस करके स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की जो है दिक्कत हो सकती है, इसी करके जो है ये प्ली दी गई थी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ से, जो कि अब गवर्नर जो जिनके एडमिनिस्ट्रेट करते हैं जिस गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से। और इस चीज को लेकर उन्होंने बोला था कि डेफर की जाए अभी हेयरिंग, इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाए, क्योंकि अगर डिसीजन इस पर आता है, कोई भी आता है उससे कि अगर फेवर में आता है आर्टिकल 35 ए के, तो कहीं ना कहीं जम्मू में सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट हो सकते हैं, जो हम देख रहे हैं ज्यादातर जहां पे आवाज है कि 35 ए को एब्रोगेट किया जाए। और अगर इसको एब्रोगेशन होती है तो कहीं ना कहीं कश्मीर में जो है इसको लेके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो चरमरा जाएगी वहां पे, जिस तरह से हम देख ही रहे थे किस तरह से रोड प्रोटेस्ट हो रहे थे, सेपरेटिस्ट जो लीडर्स हैं वो किस तरह से कॉल देते हैं, बंद की कॉल देते हैं, हमने देखा किस तरह से। और अब कहीं ना कहीं शायद से ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन, एक हम बात करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट को भी शायद एक प्रेशर था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, उसको लेते हुए उन्होंने एक बैलेंस डिसीजन हम कहेंगे यहाँ पे उन्होंने लिया है, जो आज की सिचुएशन को देख के जो बनता था उनकी तरफ से, जो उनको लगता था। इसमें हम देख रहे थे काफी टाइम से, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो हमारी, हर तरफ से बयानबाजी हो रही थी, कोई इसको हटाने की मांग कर रहा था, कोई इसमें अमेंडमेंट्स की बात कर रहा था कोई पार्टी, कोई इसको कह रहा था नहीं जैसा है इसको वैसा ही रहने देना चाहिए, सबकी अपनी अपनी डफली थी और सब अपने ढोल बजा रहे थे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सबकी डफली और सबके ढोल जो है छीन के साइड में रख दिए हैं। इलेक्शन का मुद्दा ये जो बन सकता था 2019 के लिए, कहीं ना कहीं बीजेपी से भी वो मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद छीन लिया है जो हमें लगता है। तो क्या होगा इसमें आगे? अभी तक कुछ नहीं होगा, पंचायती इलेक्शंस भी शायद यहाँ पे, जैसे कल सेपरेटिस्ट ने कॉल भी दी थी, गिलानी ने कॉल दी थी श्रीनगर में कि बॉयकॉट किया जाए पंचायती इलेक्शंस और अर्बन बॉडी इलेक्शंस को, शायद उनको भी सोचना पड़े इस चीज को कि जिस तरह से ये डिसीजन आया है वो लोग उस कॉल को जो है डिफाई करें और इलेक्शंस में जो है अच्छे प्रॉपर तरीके से जो है वो पार्ट भी लेंगे अब इलेक्शंस में, इस डिसीजन की वजह से, इस एडजर्नमेंट की वजह से जो जनवरी सेकेंड वीक में सुनानी है आर्टिकल 35 ए को लेके। इसमें हवाला ये भी दिया गया सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हवाला 1961 और 69 की जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से प्रेसिडेंट के जो स्पेशल प्रोविजंस थे आर्टिकल 370 को लेके कि उनको पावर्स हैं कुछ, उनका भी हवाला दिया गया कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि इसलिए यहाँ पे जो है 370 रहना चाहिए। कल हमने सुना एक बयान आता है रविंदर रैना का, यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, जो जिनका कहना था ये गवर्नर हमारा अपना बंदा है, और जिस तरह से हम जानते हैं ये सत्यपाल मलिक जी जो आरएसएस से जुड़े हुए ये नेता थे, इनकी आइडियोलॉजी जो थी आरएसएस से कहीं ना कहीं मिलती थी, और हमें लोगों को भी लग रहा था शायद जब ये चेंज ऑफ गार्ड्स हुआ है यहाँ पे, जो गवर्नर साहब चेंज हुए, शायद जो आर्टिकल 35 ए पे कश्मीर में लग रहा था शायद ये वहां पे इसको तोड़ने के लिए जो है वहां पे फेवर करेंगे, और जम्मू में लग रहा था हाँ शायद इसको तोड़ने के लिए फेवर, दोनों खित्तों में कहीं ना कहीं श्रीनगर में डर था और जम्मू में एक खुशी थी अगर हम बात करें, क्योंकि आर्टिकल 35 ए को लेके दोनों खित्ते डिवाइड हो चुके हैं दोबारा से, जो हम देखते हैं हमेशा ऐसा ही होता है हर मुद्दे पे डिवाइड किया जाता है जम्मू को कश्मीर से, कश्मीर को जम्मू से, इस मुद्दे पे भी वही हुआ, हमने देखा ज्यादातर सेंटिमेंट्स कश्मीर में क्या थे और जम्मू में क्या थे, तो कहीं ना कहीं दोनों जगह दोनों खित्तों में लोगों को एक आर्टिकल 35 ए को लेके थोड़ा था एक डर भी था और यहाँ पे थोड़ी सी खुशी भी थी कि शायद सत्यपाल मलिक के आने से
हमें यहाँ पे इसका कोई डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ने अपना बंदा भेजा। जिस तरह से रविंदर रैना जी ने पिछले दो परसों की बात है, जो उनका वायरल हुआ था वीडियो, उसमें कहा था कि ये गवर्नर अपना बंदा है, तो कहीं ना कहीं एक हम कहेंगे ये बीजेपी भी जो उनका डबल हिपोक्रेसी है वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुकी है इसके साथ, कि वो पब्लिक में जब जाती है तो उनका कुछ कहना है, पब्लिक में जाके तो वो छाती पीट के कहते हैं कि हम 35A को हटाएंगे, 370 को हटाएंगे, लेकिन जब बात आती है रिप्रेजेंटेटिव की, जब बात आती है कोर्ट में उस केस को रिप्रेजेंट करने में, तो उन्हीं की सरकार की द्वारा वहां पे हवाला दिया जाता है इलेक्शंस का, वहां पे हवाला दिया जाता है पुरानी जजमेंट्स का, और 35A को डिफेंड किया जाता है पूरी ताकत के साथ। और हम बात आपको ये भी बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं सेंटर जो है, सेंटर की तरफ से भी कहीं ना कहीं यही हवाला दिया गया था। पिछली हेयरिंग जब हुई थी तब भी हमने आपको बताया था, सामने नहीं आते हैं क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, ये एक इलेक्शन मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये हमेशा दिया जाता है कि इलेक्शंस करके, पंचायती इलेक्शंस है, अर्बन बॉडी इलेक्शंस है, इसलिए इसको जो है डेफर किया जाए। तो ये एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आज सुबह की है वो यही है कि आर्टिकल 35 से अगले 4 महीनों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। अब कमर कस लीजिए, हम पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहेंगे, हम आपको भी कहेंगे, पंचायती इलेक्शंस के लिए आपके जितने भी नुमाइंदे हैं ये आपके पास आएंगे इलेक्शंस के लिए वोट मांगने के लिए, अर्बन बॉडी इलेक्शंस के लिए वोट मांगने के लिए, समय आपको भी मिलेगा उनसे यही क्वेश्चन पुट करने के लिए कि पब्लिक में जो आप कहते हैं कोर्ट में जाके उसको रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते। 35 लोगों के इमोशन के साथ जुड़ा है, हम बात करें वैली की बात करें वहां पे उनके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, और जम्मू में भी बात करें अगर तो उनके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। हर एक का अपना अपना व्यू है इसको लेके, हर एक के व्यू को हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन जब बात पॉलिटिकल पार्टीज की आती है, उनकी हिपोक्रेसी की आती है, हम बात करेंगे यहाँ पे बीजेपी की मेनली। क्यों करेंगे बीजेपी की आज बार, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से सरकार से बाहर गए हैं ये, जब से सरकार तोड़ी है इन्होंने पीडीपी के साथ, तब से ही ये आर्टिकल 35 और 370 का मुद्दा जो है इन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको दोबारा से जो ठंडे बस्ते में डाल दिया था एजेंडा ऑफ अलायंस के करके, वो दोबारा से इन्होंने रेज किया इशू को, दोबारा से इसके ऊपर फिर प्ले हाईकोर्ट में इसके ऊपर केस दायर होता है एक आरएसएस बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये पूरा आपने देखा किस तरह से एक प्लान तरीके से ये पूरी इलेक्शंस को लेके मूव की गई थी, लेकिन होता क्या है, होता कुछ भी नहीं है, इस पे कोई डिसीजन नहीं आता, सिर्फ इस मुद्दे को उछाला जाता है किसके लिए, इलेक्शन गेन्स के लिए, इलेक्टोरल गेन्स के लिए। लेकिन जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, इससे शायद स्टेट में थोड़ा सा जो सिचुएशन थी, जो वैली में भी हालत थी, शायद वो स्टेबल हो जाएगी अब थोड़ी सी, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक हथियार छीन लिया है सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइम उनसे इलेक्टोरल जो एक हम कहते हैं पॉलिटिक्स जो करते हैं वो इलेक्शंस को लेके, वो हथियार भी कहीं ना कहीं सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने खो लिया है, इनसे छीन लिया है पॉलिटिकल पार्टीज से। अब थोड़ी देर ये शांत रहेगा यहाँ पे, हमें भी ये आशा है, और जो हम बाकी मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं जाके फोकस होगा, क्योंकि अगर किसी को ये रेस करना है इशू, अगर किसी को ये करना है तो सच्चे मन से किया जाए। ये जिस तरह से हिपोक्रेसी दिखाई जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की, बात करें बीजेपी की, जिस तरह से हिपोक्रेसी दिखाई है इस केस के अंदर, वैसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज इसी लाइव सेशन की मैं यहाँ पे एंड करूंगा, कैमरामैन मन्नू के साथ मैं आशीष कपूर, द अर्थ न्यूज़।